ठीक है, अब हम अपने टॉपिक को कंटिन्यूस करते हैं। लास्ट लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि अगर कोई भी फॉर्म ऐसे आती है यू अपॉन वी की फॉर्म में, यानी कि दो फंक्शन इस तरीके से आ रहे हो अगर डिवाइड वाले रूल में, तो हम डिवाइड वाले फंक्शन का डेरिवेशन करने का, सॉरी डिफ्रेंशिएशन करने का मैंने तरीका बताया था कि वी का स्क्वायर कर देते हैं, वी को ऐसा कैसा रखा और यू का हम डिफ्रेंशिएशन कर देते हैं, माइनस यू को ऐसा कैसा रखा और वी का हम डिफ्रेंशिएशन कर देते हैं। ये आपका फॉर्मूला है, मैंने जो लास्ट क्लास में इस पे कुछ एग्जांपल भी समझाए थे, मैं इसी को कंटिन्यू करता हूँ। ठीक है, मैं एक बार फिर से बोल रहा हूँ, वाई इज इक्वल टू यू अपॉन वी, अगर ऐसा कोई फंक्शन आ रखा है तो उसका डिफ्रेंशिएशन करने का तरीका क्या है, डिवाइड बाय डी एक्स इज इक्वल टू जो वी है उसका आप स्क्वायर करोगे, यू को ऐसा कैसा रखा, सॉरी वी को ऐसा कैसा रखा, यू का डिफ्रेंशिएशन किया, माइनस यू को ऐसा कैसा रखा और वी का डिफ्रेंशिएशन किया। जैसे फॉर एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल फिर से देख लो आप, जैसे मैंने कहा एक्स क्यूब अपॉन टेन एक्स, ये आपके पास एक डिफरेंशिएशन आ गया। वाई इज इक्वल टू, आपको मैंने कहा इसका डिफरेंशिएट करो, तो एक्स की क्यूब को आप यू मान लोगे और टेन एक्स को आप क्या मान लोगे, वी मान लोगे। और आपको मैंने पहले भी बता रखा है कि टेन एक्स का जो डिफरेंशिएशन होता है वो कितना होता है, टेन एक्स का डिफरेंशिएशन सेक स्क्वायर एक्स, तो इसका करते हैं तो वी का स्क्वायर, तो टेन एक्स का स्क्वायर, v का स्क्वायर किया इस तरीके से, v को ऐसा कैसा रखा तो टेन एक्स को हमने ऐसा कैसा रखा, फिर किसका डिफरेंशिएशन करना है आपको, x की क्यूब का, क्योंकि u क्या है यहाँ पे x की क्यूब है, फिर माइनस u ऐसा कैसा तो x की क्यूब ऐसा कैसा, फिर डिफरेंशिएशन किसका करना है आपको, टेन एक्स का करना है, तो d बाई डी एक्स टेन एक्स। ओके, अब आगे देखें, मैंने कुछ नहीं किया, केवल फॉर्मूले में भी वैल्यू रखी है, v को हमने टेन एक्स माना है और u को यहाँ पे x की क्यूब माना है, तो v तो टेन एक्स का स्क्वायर किया, फिर v ऐसा कैसा, टेन एक्स ऐसा कैसा, u का डिफरेंशिएशन, u का डिफरेंशिएशन, माइनस u ऐसा कैसा और v का डिफरेंशिएशन, ये हमने फॉर्मूले में वैल्यू रखी। अब आगे हम कंटिन्यू करके बताते हैं, यहाँ पे टेन एक्स को टेन एक्स रखा, x की क्यूब का डिफरेंशिएशन मैंने आपको तरीका पहले प्रीवियस लेक्चर में बता चुका हूँ कि x की पावर n का डिफरेंशिएशन क्या होता है, पावर आगे आती है और पावर में से वन कम होता है, मैं एक बार फिर से बता देता हूँ, x की पावर n का डिफरेंशिएशन, तो यानी पावर आगे आ जाती है और पावर में से वन सब्ट्रैक्ट हो जाता है, तो यहाँ n की जगह कितना है थ्री, तो थ्री आगे आएगा x थ्री माइनस वन, तो मैं क्या लिख सकता हूँ, थ्री x की पावर थ्री माइनस वन। ओके, यही तरीका, n की जगह यहाँ पे थ्री है, माइनस माइनस एक्स क्यूब ऐसा कैसा, टेन एक्स का डिफ्रेंशिएशन सेक स्क्वायर एक्स, ये मैंने आपको बताया था टेन एक्स का डिफ्रेंशिएशन क्या था, sec स्क्वायर एक्स, तो ये लिख दिया अपॉन टेन एक्स का होल स्क्वायर, तो टेन एक्स का होल स्क्वायर, तो आप इसको लिख सकते हो, ये क्या हो जाएगा, टेन एक्स इंटू थ्री एक्स स्क्वायर माइनस एक्स क्यूब और sec स्क्वायर एक्स अपॉन टेन एक्स का होल स्क्वायर, और ये आपका इस तरीके से क्या आया, इसका डिफरेंशिएशन आ गया, जो आपको मैंने सवाल दिया था, इसका डिफरेंशिएशन हम किस तरीके से करते हैं मैंने आपको यहाँ पे समझाया। अब आगे देखो, मैं आपको एक एग्जांपल और लेके समझाता हूँ इसी फंक्शन को आप कंटिन्यू करने के लिए, ठीक है, तो आपके कोई कंफ्यूजन हो आप वीडियो को वहां पे पॉज करिए, आराम से देखिए, ठीक है, मैं फर्दर कुछ एग्जांपल और इसके बारे में डिस्कस करते हैं। जैसे मान लो आपके पास नेक्स्ट एग्जाम्पल, ऐसा एग्जाम्पल आया कि वाई इज इक्वल टू लॉग एक्स अपॉन log x अपॉन साइन एक्स, ऐसा फंक्शन फिर से बता देता हूं कि आपको मैंने पहले बता रखा है log x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, वन अपॉन एक्स, ये मैंने पहले प्रीवियस क्लास में बता चुका हूं, और साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, cos x, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन cos x, ये वही तरीका हो गया u अपॉन v वाले तरीके से करेंगे, ये u हो गया है और ये क्या हो गया है v, तो आप इसको u मान लोगे, इसको क्या मान लोगे आप, v, तो करने का तरीका क्या है, dy by dx, यानी कि v का स्क्वायर करते हैं, v को ऐसा कैसा रखते हैं, u का डिफरेंशिएशन करते हैं, माइनस u ऐसा कैसा रखा और v का आपने क्या किया, डिफरेंशिएशन किया, और ये आपका तरीका है जो हम इस तरीके से करते हैं, तो यहाँ v की जगह क्या है, साइन एक्स, v की जगह क्या है, साइन एक्स, तो साइन एक्स का आपको क्या करना होगा, स्क्वायर करना होगा, ओके, साइन एक्स का स्क्वायर किया, फिर v को ऐसा कैसा रखा तो साइन एक्स को आपने ऐसा कैसा रखा, और किसका डिफरेंशिएशन करना है आपको, log x का डिफरेंशिएशन करना है, तो log x का डिफरेंशिएशन क्या होता है,
वन अपॉन एक्स होता है, माइनस यू, यू क्या है यहाँ पे लॉग एक्स, तो लॉग एक्स को आपने ऐसा कैसा रखा, और वी का आपको डिफरेंशिएट करना है, तो वी क्या है साइन एक्स, और साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है कॉस एक्स, ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, ऐसे कुछ बहुत सारे एग्जाम्पल है इनके बारे में। आपकी जो स्टूडेंट्स मेरे से दो तीन सवाल बार बार कर रहे हैं डाउट क्लास में, कि आपको ये जो कंफ्यूजन होता है मैं आपको बोर्ड पे समझा देता हूं एक बार, कि आप जैसे आप ये लिख रहे हो डीवाई बाई डी एक्स, तो इसको कैसे पढ़ते हो कि डिफ्रेंसिएशन ऑफ वाई विथ रेस्पेक्ट टू एक्स, इसको पढ़ने का तरीका क्या है, डिफरेंशिएशन ऑफ वाई विथ रेस्पेक्ट टू एक्स। मैंने जैसे आपको लिखा डी ए अपॉन डी टी, इसका मतलब डिफरेंशिएशन ऑफ ए विथ रेस्पेक्ट टू टी, डिफरेंशिएशन ऑफ ए विथ रेस्पेक्ट टू टी, ये पढ़ने का तरीका। मैंने लिखा डी एस अपॉन डी वाई, इसको कैसे पढ़ेंगे, डिफरेंशिएशन ऑफ एस विथ रेस्पेक्ट टू यहां क्या है वाई, तो क्या पढ़ेंगे वाई, ये पढ़ने का तरीका है। मैं आपको फिर से रिपीट कर रहा हूं, आपकी जो सेम प्रॉब्लम आ रही है डाउट में, जिन बच्चों ने कल भी मेरे से पूछा था, परसों भी पूछा था, कि जिसके रेस्पेक्ट में किया जाता है, ध्यान से सुनो, जिसके रेस्पेक्ट में करते हैं वो क्या होता है वेरिएबल। ये अपने बार दिमाग में बैठा लो, आपकी बार बार इस चीज को प्रॉब्लम आ रही है, तो यहां किसके रेस्पेक्ट में किया जा रहा है, एक्स के रेस्पेक्ट में, तो यहां वेरिएबल क्या है, यहां वेरिएबल एक्स है, यहां किसके रेस्पेक्ट में किया जा रहा है टी के रेस्पेक्ट में, तो यहां वेरिएबल क्या है, यहां वेरिएबल टी है, यहां किसके रेस्पेक्ट में किया जा रहा है वाई, तो ये वेरिएबल क्या होगा यहां पे वाई होगा, यानी कि जिसके रेस्पेक्ट में किया जाता है वो क्या होता है वेरिएबल होता है, इसके अलावा फर्दर क्या होते हैं वेरिएबल और सारे क्या होंगे कांस्टेंट होंगे, और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है जीरो। तो मैं आपको फिर से समझा देता हूं कि एक इसको क्लेरिफाई करते हैं एक एग्जांपल लेके, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने लिया एक्स क्यूब प्लस फाइव प्लस टी स्क्वायर, ये आपने एक मैंने फंक्शन लिया ठीक है, और मेरे से किसी ने पूछा कि dy by dx निकाल के बताओ और dy by dt निकाल, ये दोनों फंक्शन आपको ऐसे करने, इसी सेम सवाल है, इनके दोनों के आपको अलग अलग तरीके से निकाल। जब आप dy by dx कर रहे हो तो आप किसके रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कर रहे हो, x के रेस्पेक्ट में, तो x क्या है यहां पे वेरिएबल, x वेरिएबल है और अदर क्वांटिटी क्या है कांस्टेंट, और डिफरेंशिएशन किसका होता है जो वेरिएबल क्वांटिटी और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है जीरो होता है, तो यहां डीवाई बाई डी एक्स करोगे तो x वेरिएबल है तो x का डिफरेंशिएशन होगा और कितना होगा पावर आगे आएगी x की पावर n की तरीके से, और पावर में से वन सब्ट्रैक्ट करोगे तो थ्री, एन की जगह थ्री है तो थ्री एक्स स्क्वायर हुआ, फाइव क्या हुआ क्योंकि एक्स के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो और सारे कॉन्स्टेंट, तो कॉन्स्टेंट का डिफरेंशिएशन जीरो। टी भी क्या होगा कांस्टेंट क्योंकि किसके रेस्पेक्ट में कर रहे हैं एक्स के लिए, तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन जीरो, तो आंसर कितना है आपका थ्री एक्स स्क्वायर, आंसर कितना है थ्री एक्स स्क्वायर। इसी सेम सवाल का आपसे अगर पूछा जाता कि डीवाई बाई डी टी क्या होगा, जब डीवाई बाई डी टी मैं एक बार यहां लिख देता हूं एक्स क्यूब प्लस फाइव प्लस टी स्क्वायर, जब आपको डीवाई बाई डी टी निकालना है इसका तो किसके रेस्पेक्ट में कर रहे हो आप टी के रेस्पेक्ट में, आप जब t के रिस्पेक्ट में कर रहे हो तो इसका मतलब t के अलावा यहां वेरिएबल क्या हुआ t, यहां वेरिएबल क्या हुआ t, इसके अलावा सारे कांस्टेंट, तो x क्या है यहां कांस्टेंट है, बट यहां x कांस्टेंट नहीं था क्यों, क्योंकि यहां x के रिस्पेक्ट में कर रहे, तो जिसके रिस्पेक्ट में करते हैं वो वेरिएबल, यहां t के रिस्पेक्ट में तो t वेरिएबल और सारे कांस्टेंट, तो x की क्यूब क्या है कांस्टेंट, और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन जीरो, फाइव आप जानते हो वैसे भी कांस्टेंट वैल्यू, तो इसका डिफरेंशिएशन जीरो, लेकिन टी स्क्वायर का करेंगे, टी स्क्वायर का वही तरीका पावर वाला तरीका, तो पावर जो होती है वो आगे आ जाती है टू टी की पावर टू माइनस वन, तो कितना हो जाएगा टू टी, ये इसका आंसर है, ये इसका आंसर, सेम सवाल था लेकिन आप किसके रेस्पेक्ट में कर रहे हो इस पर फर्क पड़ता है, आपने यहाँ एक्स के रेस्पेक्ट में किया और आपने यहाँ पे वाई के रेस्पेक्ट में किया। ठीक है, आपको एक दो एग्जाम्पल से और मैं क्लियरिफाई कर देता हूँ, कुछ बच्चे कंफ्यूज हो रहे हैं अभी भी, मैंने एक सवाल दिया था उस पर, अगर और कुछ बच्चों की दो तीन डाउट और थी, जैसे y इज इक्वल टू मैंने सवाल दिया आपको x डॉट log x डॉट sin x, जैसे ये सवाल आ गया,
कि सर आपने तो दो ही वेरिएबल का समझाया हमें, यहाँ तो तीन वेरिएबल आ गए जैसे एक दो तीन। तो ऐसे फंक्शन अगर आ रहे हैं तो इसका हम कैसे करते हैं? तो इस फंक्शन में देखो किसी एक को रख लो, जैसे यहाँ इसको यू मान लिया तो इस पूरे को आप क्या मान लोगे? वी मान लो। तो तरीका क्या हो गया ये, वाई इज इक्वल टू क्या हो गया? यू डॉट वी। इसका डिफ्रेंसिएशन करने का तरीका क्या हो जाएगा? डीवाई बाई डी एक्स बराबर यू को ऐसा कैसा रखा, वी का डिफ्रेंसिएशन किया, प्लस वी ऐसा कैसा रखा और यू का आपने क्या किया? डिफ्रेंसिएशन किया। तो देखो डीवाई बाई डी एक्स यू, यू को एक्स माना है तो एक्स को ऐसा कैसा रखा और वी का डिफ्रेंसिएशन, तो वी क्या है यहां पे? वी है लॉग एक्स डॉट साइन एक्स, ओके, प्लस वी ऐसा कैसा, तो वी क्या है? लॉग एक्स डॉट साइन एक्स, लॉग एक्स डॉट साइन एक्स। और डिफ्रेंसिएशन किसका करना है आपको? यू का। यू क्या है? एक्स, ओके। अब देखो फिर ये दो वेरिएबल एक साथ में है, यू डॉट वी, यानी कि ये मल्टीप्लाई फॉर्म में, तो फिर इसको हम इसी फॉर्मूले से फिर क्या करेंगे, इसको सोल्व करेंगे। तो मैं एक बार इसको सही तरीके से लिख देता हूं यहां पे, डी वाई बाय डी एक्स, एक्स ऐसा कैसा, एक्स ऐसा कैसा, इसका करना है तो इसको आप फिर यू मान लो, इसको क्या मान लो आप? वी। तो इसको कर तरीका क्या होता है, यू को ऐसा कैसा लिखा तो लॉग एक्स ऐसा कैसा लिखा, साइन एक्स का आपको क्या करना है? डिफ्रेंसिएशन करना है, प्लस साइन एक्स को ऐसा कैसा लिख रहे हैं और किसका डिफ्रेंसिएशन करना है आपको? लॉग एक्स का डिफ्रेंसिएशन करना है। ये हो गया, ये सीधा के सीधा लिख रहे हैं तो प्लस का लॉग एक्स इंटू साइन एक्स, और एक्स का डिफ्रेंसिएशन कितना होता है? वन, ये हम पहले से जानते हैं। देखो मैं आपको फिर से रिपीट करता हूं, ऐसे जिसमें तीन आ गए, जैसे एक्स आ गया, लॉग एक्स भी आ गया और साइन एक्स आ गया, चार होते पांच होते, तो किसी एक को रख लो आप ऐसा कैसा और दोनों को एक साथ लिख लो, तो इसको यू माना और इसको वी, तो यू डॉट वी वाले का तरीका क्या होता है? यू को ऐसा कैसा रखा, वी का डिफ्रेंसिएशन करते हैं, प्लस वी को ऐसा कैसा रखते हैं और यू का आपको क्या करते हैं? डिफ्रेंसिएशन। तो एक्स को ऐसा कैसा लिखा और इसका डिफ्रेंसिएशन डी बाई डी एक्स, लॉग एक्स और साइन एक्स का डिफ्रेंसिएशन, फिर वी को ऐसा कैसा तो लॉग एक्स साइन एक्स को ऐसा कैसा और एक्स का आपने क्या कर दिया? डिफ्रेंसिएशन कर दिया, ओके। तो इसको आपने आगे देखा तो ये यू डॉट वी हो गया, ये क्या हो गया? यू डॉट वी हो गया। तो ये एक्स ऐसा कैसा, लॉग एक्स और साइन एक्स का डिफरेंसिएशन, प्लस साइन एक्स ऐसा कैसा, लॉग एक्स का डिफरेंसिएशन, एक लाइन का है। देखिए अब एक्स लॉग एक्स ऐसा कैसा, साइन एक्स का डिफरेंसिएशन कॉस एक्स, प्लस साइन एक्स ऐसा कैसा और लॉग एक्स का डिफरेंसिएशन वन अपॉन एक्स, प्लस लॉग एक्स डॉट साइन एक्स, और ये आपका क्या आ गया? आंसर आ गया। और नेक्स्ट फर्दर क्लास में हम और डिस्कस करेंगे, ओके, थैंक यू।